हमारा ये छोटा ये देखिए सबसे बड़ी सनातन धर्म का है। हाँ, देशभक्त है इस दुनिया में, हर एक व्यक्ति देशभक्त है। हिंदुस्तान में रहने का पैमाना एक नारा कैसे हो सकता है सर? नहीं, बिल्कुल आप कैसे कह सकते हैं कि जिसको हिंदुस्तान में रहना होगा जय श्री राम कहना होगा? इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी और धर्म को मानते हैं, कोई बौद्ध धर्म मानता है, कोई जैन धर्म मानता है। हाँ, हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है, हाँ श्री राम बोलना ही हो। क्यों क्यों क्यों? इस देश का कानून तो ऐसा नहीं कहता, संविधान तो नहीं ऐसा कहता। आप लोग नया संविधान लिख रहे हैं क्या? क्या लिख रहे हैं आप संविधान? आप एक नारे से तय करेंगे कौन हिंदुस्तान में रहेगा कौन नहीं? ये नारे नहीं, इस बात से तय होगा। आप समझिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रह करके हिंदू जय श्री राम बोल करके आपको रहना होगा। देखिए सबसे बड़ी बात, क्यों रहना होगा भाई साहब, क्यों रहना पड़ेगा होगा इस देश में? रहना होगा जय श्री राम कहना होगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सुनिए लोग, अब ये नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। सनातन धर्म के अनुसार ऐसा नहीं होने देंगे। आप धमकी दे रहे हैं, आप सनातन धर्म की धमकी दे रहे हैं। आप दिल्ली में तो पूरे दिल्ली में यही बात होती है, आप धमकी दे रहे हैं। सनातन धर्म के ऊपर आप नहीं लगा रहे हैं।